फाइनली हम भाई के घर के पास आते गए हैं। सभी ढूंढते डांते सीबीआई की दिमाग चलाते हुए हम एलवी यादव के घर की तरफ चल दिए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है सीन। हमें लोकल भाई मिल गए हैं। भाई आपका नाम क्या है? राहुल भाई। राहुल भाई मिल गए हैं, वो हमको लेके जाएंगे एलवी भाई के घर की तरफ। तो बस यही है भैया, मिल जाए तो अच्छा है। फिलहाल टाइम तो घर पे होंगे मेरी शायद। अरे भाई कम से घर तो देख ले यार, पता कितनी दूर जाए हैं हम लोग। आगरा से आए हैं। आगरा से तो दिन में आना चाहिए था। दिन में आना चाहिए था दिवाली के लिए। हाँ जी, है ना। वीडियोस में तो यही लगती है, भाई बड़े अंदर रहते हैं पर हैं। तो भाई ये देखो, हम घूम रहे हैं एलवी यादव की गलियों में, उसके घर को ढूंढते हुए। देखो ये हर्ष बैठा है एक्टिवा पे, इतने ये एक्टिवा वाला सेट किया, ये उसके घर ले जाएगा अभी हमें। ठीक है, ये सामने से गाड़ी आ गई, बट अभी देखो ये मुन्ने दो, इसको क्या होगा पहले देखने दो इसको। ये देखो अभी ये गाड़ी वाड़ी हटवा रहा, ये हर्ष पूरी सेटिंग में लगा हुआ उसके घर जाने के लिए। अभी अज्जू भाई से मिल के आए, उसको पूरी खुशी है कि हाँ मिलेगा दोबारा। जगह गली में एक गाड़ी आएगी, जगन्नाथ तो बहन जो पता दी और बोले आओ तो यार क्या चलाते हैं हम, फॉर्चुनर कैसे याद होगी। तो अभी चलते हैं, ये रहा हमारा हर्ष फुल उसमें चल रहा है सेटिंग में लौंडा। भाई गली पूछे हैं तो बिल्कुल लाग गया हमारा हर्ष आगे आगे। गली देख रहे हो तुम, गली कितनी पतली है। गाड़ी पीछे आ रही है, हम जा रहे हैं रास्ते घूमते घूमते। पर भाई बड़े कितनी दूर हो गए यहाँ से? 500 मीटर भी नहीं है। अच्छा, तो पोर्शे वगैरह इधर से आ जाती हैं? ना ना, वो रास्ता दूसरा है। अच्छा, ये तो गांव का रास्ता। आपने वैसे देखी है गाड़ी उनकी? हाँ जी। और भाई से मिले हो? बिल्कुल भाई। कैसे हैं, कैसा लगा उनका नेचर? भाई तो बहुत मस्त है भाई, अपने हीरो है भाई तो अपना। वो तो है ही है यार, बड़ी उम्मीदों से आए भाई बड़ी दूर से। अभी बता, अज्जू भाई मिल गए थे, अज्जू भाई से मिले अभी हम लोग। चलो बढ़िया भाई। हाँ भाई, अज्जू भाई भी मतलब इतने डिसेंट बंदे हैं भाई, अपनी गाड़ी से उससे थे वो 0001, वो 0008 है ना उनकी, वो डिफेंडर उससे थे वो मिले। और भाई ने भाई पूरा सम्मान दिया, ये नहीं किया बंदे में एटीट्यूड कुछ नहीं भाई, लोग कहते हैं ना सब झूठ है। बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के। ये वाला घर है भाई, ये वाला, ये रहा पोस्टर लगे हुए सामने वाला घर है। ये देखो फाइनली हम भाई के घर के पास आते हुए हैं, पर भाई है नहीं है अभी। हैं मजे आ गए भाई, इधर भाई की गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है पर अभी कोई भी है नहीं है। तो फाइनली हिम्मत करके हमने भाई की घर की डोरवेल बजा दी, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में भैया के पापा आ गए। उसके बाद में भैया के पापा से हमने बात करी, भैया के पापा आके बोलते हैं आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे कैसे। तो हमने बोली कि हम आगरा से आए हैं, भैया से मिलना है। तो बोले बेटा तुम क्या मिलोगे भैया से? भैया से तो हम खुद नहीं मिल पाते हैं, भैया का कोई टाइम ही नहीं है आने का जाने का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते रहे। फिर हमने बताया कि हम मज्जू भाई के पास गए थे, उनसे मिल लिए, मतलब काफ़ी सारी बातें होती हैं ना, हम उनसे कर रहे थे, वो हमसे कर रहे थे। मतलब ऐसा अच्छा सा लग रहा था कि मतलब जो बंदा हम वीडियोस में देखते हैं उसको हम रियल देख रहे हैं, अच्छी वाइब्स आती हैं वाली सारी वाइब्स थी। और मतलब बता रहे थे कि बेटा इतनी रात हो गई है, इतनी अब कहाँ जाओगे, मतलब ये चीज़ थी कि हम इतनी दूर आए हैं तो अगला इंसान हमारी केयर तो कर रहा था, बोल रहा था इतनी दूर हम आप आए हो, अब क्या करोगे कैसे जाओगे। तो अच्छा लगा ये सारी चीज़ें जानना। उसके बाद भाई उनने पूछा अंकल जी ने कि आप किससे आए हो, तो हमने बताया ये गाड़ी है हमारी इससे आए हैं। दीदी अंदर गाड़ी में बैठ के मतलब वीडियो शूट कर रही थी तो अंकल को पता चल नहीं रहा था। तो ये मतलब जो भी क्लिप आप देख रहे हो ना, बहुत दूर से दीदी ने जूम करके बनाया कि गाड़ी हमारी थोड़ी गली से अलग एरिया में थी। क्यों? क्योंकि वो पतली गली थी ना, तो बीच में रोड में खड़ी कर देते तो आने वाले जाने लोगों वालों को दिक्कतें होती।
तो बहुत अच्छा लगा, मतलब भाई का घर भी देख लिया। भाई मतलब इतनी नॉर्मल जगह पे रहता है इंसान, इतना फेमस इंसान, भाई मान नहीं सकते हो आप लोग। मतलब नॉर्मल एकदम गांव जैसी रास्ता है, हम लोगों को पतली पतली। तो इसके बाद हम लोग निकल गए आगरा के लिए वापस, और टाइम हो गया था 11 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं क्या भाई बोर होते होते गए भाई, फिर उसके बाद में रास्ते में कोहरा मिल गया, मैं तो सो गया। फिर उसके बाद में मेरी सुबह आँख खुली तो फाइनली घर पहुँचने वाले हैं। तो टाटा बाय बाय, क्या कहोगे? ठीक है। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं घर, ठीक है। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।